मैं शिखा भारद्वाज, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बनाएंगे पनीर लबाबदार। तो जब भी आप कभी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी पनीर की डिशेस होती हैं, उनमें एक डिश होती है पनीर लबाबदार, जिसमें इस तरह से पनीर के लच्छों से डेकोरेट करते हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार बनाएंगे। तो इस पनीर लबाबदार का टेस्ट बाकी पनीर की सब्जियों से थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत ही सॉफ्ट पनीर और रिच ग्रेवी के साथ। वीडियो शुरू होने से पहले लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए। तो पनीर लबाबदार बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया था और मैंने इसको इस तरह पीसेस में कट कर दिया है, क्यूब्स में, और एक पीस मैंने बड़ा रखा है क्योंकि मैं इसको ग्रेट करूंगी, और बाकी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह की प्लेट ली है मैंने एक, और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये दूध है, गर्म दूध है, थोड़ा सा वार्म है, मतलब बहुत गर्म नहीं, हल्का गुनगुना दूध है, ये ले लूंगी मैं और इसमें अपने पनीर को डिप कर दूंगी ताकि हमारा पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम दूध में डिप करके रख देंगे और अपनी सब्जी की तैयारी करेंगे। तो इतनी देर तक हमारा जो पनीर है दूध में डिप रहेगा और पनीर हमारा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस रेसिपी के लिए हमें बहुत सॉफ्ट पनीर चाहिए, पनीर लबाबदार के लिए। इस तरह से दूध में भिगो देते हैं इसको, सारे पनीर को हम दूध में डिप करके रख देंगे और इस दूध को हम यूज करेंगे बाद में सब्जी में आगे। इस तरह से देखिए मैंने सारा पनीर दूध में डिप कर दिया। तो पनीर को हमने हल्के गर्म दूध में डिप कर दिया है, इससे हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ जो टुकड़ा है पनीर का, इसको मैं ग्रेट कर लूंगी, कद्दूकस कर लूंगी, उसमें जो लच्छे चाहिए पनीर के, पनीर लबाबदार में लच्छे होते हैं पनीर के, वो बना लूंगी मैं। सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक पैन गर्म किया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेसन, और ये हो गया 2 टेबलस्पून। तो 2 टेबलस्पून बेसन डाल दिया मैंने, बिल्कुल ड्राई रोस्ट करेंगे इसको हम, फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसको भून लेते हैं हल्का सा। तो हमने अपने बेसन को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लिया है और देखिए गोल्डन सा कलर हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, बेसन को बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए हमने बेसन को भून के निकाल लिया है, अब इसी पैन में हम सब्जी बनाएंगे। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल को गरम कर लेंगे पहले। ऑयल गरम हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा, और 5 से 6 मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च, यानी कि पेपरकॉर्न्स हैं, 5 से 6 डाल देते हैं। अब मैं डालूंगी 1 तेजपत्ता, 1 छोटी वाली इलायची डाल रही हूँ, ग्रीन वाली इलायची, और 1 छोटा टुकड़ा है दालचीनी का, यानी कि सिनेमन स्टिक है छोटी सी। मसालों के साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ काजू, तो ये 1/4 कप काजू हैं, तो ये होंगे 9 से 10 काजू होंगे, इनको मैंने हाफ में कट कर लिया है देखिए इस तरह से। तो ये मैं डाल देती हूँ, साथ ही भून लूंगी इनको। तो 9 से 10 काजू हैं, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इनको भून लेते हैं हल्का सा, काजू हमारे जलने नहीं चाहिए, बस हल्का सा भूनेंगे इनको। तो देखिए मैंने यहाँ 1/4 कप काजू ऐड किए हैं, क्योंकि मैं इसमें प्याज नहीं ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्याज ऐड करना चाहते हैं तो आप रफली चॉप करके 1-2 प्याज इसमें ऐड कर लीजिए, और काजू की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं फिर। और काजू ऐड करने से हमारी ग्रेवी बहुत रिच हो जाएगी, क्योंकि पनीर लबाबदार की ग्रेवी रिच होती है। तो काजू हमारे फ्राई हो गए हैं, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ अदरक के टुकड़े। तो मैं ऐसे मोटे कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि बाद में पीसना ही है इन्हें हमें। और साथ ही ऐड कर दूंगी 1 या 2 हरी मिर्च, जितनी पसंद करते हैं आप हरी मिर्च डाल लीजिए, और इनको हल्का सा भून लेंगे हम। ध्यान रखेंगे काजू हमारे जलने नहीं चाहिए बिल्कुल। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 4 टमाटर जो मैंने रफली चॉप किए हुए हैं, ये डाल देती हूँ, रफली चॉप किए हैं क्योंकि बाद में पीसना है, इनको भून लेते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 टीस्पून नमक, जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, और इनको हल्का सा भून लेते हैं टमाटर को। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा सब्जी का। अब इसको भून लेते हैं। तो देखिए टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं, इन्हें बस सॉफ्ट करना है हमें, बहुत भूनना नहीं है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 कप पानी, पानी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और फिर इसको हम ढककर पकाएंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, और बस इसको मैं कवर कर देती हूँ। अब देखिए अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, तो 5 मिनट ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर और फिर खोल के चेक करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए टमाटर हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं अब, तो बस अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इन्हें ठंडा कर लेंगे हम। ठंडा करने के बाद इनको हमें पीसना है फिर।
तो बस ठंडा कर लेते हैं इनको। तो बस मैंने टमाटर और काजू के मिक्स को अपनी मिक्सी के जार में डाल दिया है, तो बस मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमने इसको पीस लिया है, देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब बना लेते हैं अपनी सब्जी। तब उसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी मैं इसमें और गरम कर लूंगी। ऑयल हमारा गरम हो गया है, फ्लेम को लो करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ऑयल में डालेंगे इसको, मिक्स करेंगे एकदम से और फौरन ही हम डाल देंगे अपना वो जो पेस्ट हमने पीस के रखा है। अभी ये डाल दिया सारा अपना, ये पेस्ट हम डाल देंगे इसमें टमाटर और काजू का। तो बस अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फ्लेम को लो रखेंगे, मिक्स करते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून बेसन जो हमने भून के रखा था पहले, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो हमने प्याज ऐड नहीं किया है, इसकी जगह पर मैं ये ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। इसको ऐड करने से हमारी ग्रेवी थिक भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने प्याज ऐड नहीं किया है इस ग्रेवी में। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। धनिया और हल्दी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी ऐड किया था टमाटर भूनते हुए और थोड़ा सा अब ऐड कर दिया। ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और इन सबको मिक्स कर लेंगे हम, सब मसालों को मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर और हल्का सा भूनेंगे। वैसे तो भुना हुआ है ही मसाला पहले से। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चीनी। तो चीनी ऐड करने से आपकी सब्जी मीठी नहीं होगी, ये सब्जी का टेस्ट बिल्कुल बैलेंस कर देगी। जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं सब्जी में हल्की सी मिठास होती है, तो उस तरह से हो जाएगी ये और बहुत टेस्टी हो जाएगी सब्जी हमारी। तो देखिए हल्का सा मिक्स करेंगे इसको, इसे ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि हमारा टमाटर काजू सब भुने हुए हैं, बेसन भी भुना हुआ है इसमें। बस मिक्स किया और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पानी। पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे मसाले में अच्छी तरह से, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से और भुन जाएं बढ़िया। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी कितनी बढ़िया लग रही है और कोई नहीं कह सकता कि मैंने इसमें प्याज लहसुन ऐड नहीं किया है। इतनी बढ़िया हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, एकदम रिच ग्रेवी बन रही है। आप किसी को बनाकर खिलाइए और बताइए नहीं कि प्याज लहसुन ऐड नहीं किया है, तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब इसे हम कवर करके कुक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे हम, कवर कर दिया इसको, 5 मिनट कुक करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे और फिर खोल के चेक करते हैं। हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाया था, अब इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ऑयल आ गए हैं ग्रेवी के ऊपर, ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार लग रही है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब डालते हैं इसमें और कुछ चीजें। अब ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको हाथ पे रब करके इस तरह से और डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो हमने कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमने पनीर को दूध में भिगोया हुआ था, हल्का सा गर्म दूध में हमने भिगोया था पनीर को, पनीर हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब ये दूध जो है इसको हम ऐड कर देंगे सब्जी में। अभी पनीर ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, पनीर को रोक लेते हैं और जो सारा दूध है इसमें ये हमने ऐड कर दिया सब्जी में। तो दूध में भीग कर हमारा पनीर बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम सा हो चुका है। अब इस दूध को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी रिच होती जा रही है, बढ़िया होती जा रही है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं दूध की जगह। तो बस दूध को मिक्स कर लूंगी, हल्का सा पका लूंगी मैं, क्रीम ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि काफी रिच हो चुकी है। तो दूध को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो पनीर लबाबदार की पहचान यही होती है कि उसमें पनीर के लच्छे होते हैं ग्रेवी के अंदर। कभी आपने खाया होगा अगर रेस्टोरेंट में, तो देखिए जो टुकड़ा था पनीर का उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है उसको मैंने, इस तरह लच्छे बना लिए हैं इसके। इसे हम ऐड करेंगे अपनी ग्रेवी में, इस तरह से ऐड कर दूंगी। एक टुकड़ा था पनीर का उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस किया था उसे मैंने, ये देखिए ऐड कर दिया। इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे, बहुत नहीं पकाना है इसको, बस हल्के हाथ से मिक्स कर दीजिए। इसी तरह से ग्रेवी में होते हैं, यही पहचान होती है पनीर लबाबदार की।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर के टुकड़े जो हमने दूध में भिगोए हुए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, देखिए ये हम ऐड कर देंगे इसमें। तो अब इस तरह से हम अपने सारे पनीर के पीसेस ऐड कर देते हैं ग्रेवी में। बहुत सॉफ्ट सा पनीर है मेरा, तो इस टिप को आप जरूर यूज करिएगा जो हमने हल्के गर्म दूध में पनीर को भिगो दिया था। जब तक आप सब्जी की तैयारी करेंगे बस इतनी देर तक भिगो दीजिए आप हल्के से गर्म दूध में, पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा हमारा। मिक्स कर डाल के बस हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे इसको। अब पनीर ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत देर नहीं पकाना है, बस 2 मिनट पकाएंगे, मिक्स कर लेते हैं हल्का सा। तो बस इसको हल्के हाथ से मिक्स कर दिया हमने। अब मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी और बस 2 मिनट इसको रखेंगे हम लो फ्लेम पर। बस 2 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं, सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसे खोल लेती हूँ और सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी पनीर लबाबदार या पनीर लबालब। तो देख सकते हैं आप कितनी रिच लग रही है सब्जी हमारी, और उसकी ग्रेवी आप देखिए, कोई कह नहीं सकता कि मैंने इसमें प्याज लहसुन ऐड नहीं किया है, और इसका टेस्ट भी किसी प्याज लहसुन वाली सब्जी से ज़रा भी कम नहीं है। बहुत ही टेस्टी, बहुत रिच सब्जी बनी है। तो पनीर लबाबदार की स्पेशलिटी होती है ये पनीर के लच्छे। कभी रेस्टोरेंट में खाया होगा तो ध्यान दिया होगा आपने, ये पनीर के लच्छे जैसे होते हैं, ऊपर से सजे हुए होते हैं और अंदर ग्रेवी में भी होते हैं। तो इन्हीं से मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ ऊपर से, और मैंने इसमें क्रीम का यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहें तो आप क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से डेकोरेट कर लीजिए, थोड़ी सी अंदर मिक्स करना चाहें तो मिक्स भी कर लीजिए। तो बस इस तरह से पनीर से ही मैं डेकोरेट कर देती हूँ इसको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये पनीर लबाबदार या पनीर लबालब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप इसे जल्दी ही ट्राई भी करने वाले हैं। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। वीडियो पूरा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।